तो गाइस आज के इस वीडियो में हम गल को बेहतर तरीके से बांधना सीखेंगे। गल है, इसे बंसी भी कहते हैं, कांटा भी कहते हैं फिशिंग का, और हुक भी बोलते हैं इसको। तो इसको बेहतर तरीके से कैसे बांधें और फिशिंग करने के लिए क्या सही है वो हम देखेंगे। ये समथिंग 1.5 इंच वाला गल है मेरे पास, तो इसको मैं ये लाइन लेके आया हूँ, फिशिंग लाइन है ये। ये है 50 mm की है, फॉक्स क्लब की। तो इसमें कैसे बांधना है इसको हम देखेंगे। तो आपने काफ़ी तरीके देखे होंगे, लेकिन जो मैं यूज करता हूँ मैं उसके बारे में बताऊँगा, और जो बेहतर है मुझे जो सही लग रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो उसको क्या करेंगे, इसको एक साइड रख देते हैं। ये जो यार्ड है इसको हम इस तरह से पकड़ते हैं, दांत है ये बेसिक प्लास्टिक, तरह से पकड़ा। तो इस तरह से हम पकड़ते हैं इसके साथ में हुक की साइड, ये जो हुक है ना इस तरफ इस फंदे को करते हैं, और इसको हम इसमें राउंड करेंगे। समथिंग 8 से 10 बार राउंड कर सकते हैं, या 5 बार भी कर सकते हैं, और 4 बार भी कर सकते हैं, आपका जितना हुक हो। ये मेरा 1.5 इंच वाला हुक है, तो इसमें मैं 5 से ज़्यादा बार ही करूँगा। तो इसको हमें राउंड करना है, किस साइड, इस तरफ करना है। ये जो गल है ना इस तरफ हम इसको राउंड करेंगे, इस तरफ नहीं करना है, इस तरफ करना है। ठीक, तो इस तरह से हम आगे की ओर राउंड करते हैं। मैंने 10 बार कर दिया है, 9 से 10 बार ये हो गया है। अब इस वाले को इस फंदे से डालेंगे, इस छोर को, इसमें से हमने ये निकाल दिया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ दबा लेंगे, ये भी दबा रहा है, ये भी दबा, इसको हम स्लोली स्लोली खींचते हैं। ये दब गया ना, अब इसको थोड़ा हम अच्छे से जमा लेते हैं, अव्यवस्थित सर है जो व्यवस्थित कर लेते हैं इसको, और जोर से खींचते हैं। इसको भी, इस साइड के छोर को भी हम थोड़ा सा खींचते हैं ताकि सीधा रहे। तो ये एक बेहतर तरीका है हुक बांधने का। जी एक बन गया अपना हुक, अब इसके लिए हम काट के अलग कर देते हैं, काट सकते हैं इसको। ये जो बंसी है ना, बंसी बोलते हैं, हुक भी बोलते हैं इसको, कांटा भी बोलते हैं फिशिंग का, और इसको गल भी बोलते हैं। तो मेरा गल परफेक्ट बन गया है, आप देख रहे हो।